Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In today's video, we are going to do this makeup look. It looks so dewy, so glowy, so juicy. It's my skin looks so radiant and just because of टू प्रोडक्ट्स जो मैंने आज की वीडियो में आप लोगों से ट्राई करने वाली हूँ एंड बहुत महंगे हैं, पहले ही बता देती हूँ, बट मैंने इनको ट्राई करना था एंड दैट्स व्हाई आई बॉट देम एंड आई ट्राइड देम टुडे एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड रियली वेरी हैप्पी, यू नो, ऑनेस्टली. एंड या एक्चुअली मुझे इन दोनों प्रोडक्ट्स को बहुत टाइम से परचेज करना था, बट आई वॉज वेटिंग. एक को तो बहुत टाइम से परचेज करना था, ठीक है. सो मैं बहुत टाइम से परचेज करना चाहती थी, बट वो कभी डिस्काउंट के ऊपर नहीं आता था. मेरा शेड अगर मैं बात करूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्लोविश बाय हुडा ब्यूटी का प्रोडक्ट. दिस इज ग्लोविश मल्टीड्यू स्किन टिंट इन दी शेड 07 टैन लाइट. ये बहुत टाइम से मैं परचेज करना चाहती थी और इसको ट्राई करना चाहती थी. मैंने इसकी बहुत हाइप सुनी है. इट्स नॉट अ न्यू लॉन्च, एक्चुअली ये बहुत टाइम पहले लॉन्च हो चुका था, बट मैंने इसको अभी ट्राई किया बिकॉज मेरा ही शेयर ओनली, सिर्फ मेरा ही शेड जो था नायका के ऊपर डिस्काउंट के ऊपर आया था. बाकी सारे फुल प्राइस के ऊपर थे. जो 07 टैन लाइट शेड था ये 40% डिस्काउंट के ऊपर था एंड मैंने ऐसे परचेज कर लिया, ठीक है. और आपको एक और भी हॉल वीडियो अभी देखने में मिलेगा जो मैंने शूट करने वाली हूँ. बहुत सारी चीजें हैं इसमें, बहुत डिफरेंट डिफरेंट जगह से मैंने परचेजिंग की है, ठीक है. वो भी आपको देखने में मिलेगा. अभी हम बात कर रहे हैं मेकअप के बारे में. सो आज मैंने बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं लाइक बेस मेकअप में एंड दिस इज हाउ माय बेस लुक्स लाइक. इट लुक्स सो फ्लॉलेस. एंड द सेकेंड प्रोडक्ट विच आई हैव ट्राइड टूडे इज फ्रॉम बॉबी ब्राउन. दिस इज देयर बॉबी ब्राउन विटामिन एनरिच्ड स्किन टिंट विद एसपीएफ 15. आई थिंक दिस इज देयर न्यू लॉन्च. या मैंने अभी रिसेंटली इसको नायका के ऊपर देखा एंड बहुत महंगा है, बहुत महंगा. यू नो, अगर मैं बात करूं तो इस महीने की अगर मैं शॉपिंग का अगर मैंने कोई बजट रखा हुआ था ना, तो मैंने सारा इसमें खर्च कर दिया है. एंड इसके साथ मुझे एक लिपस्टिक भी फ्री मिली बॉबी ब्राउन की ही, लक्स लिपस्टिक. दिस इज लक्स डिफाइनिंग लिपस्टिक. तो इस ये लिपस्टिक ही सिर्फ 3000 रुपीज की है, तो मैंने सोचा इट्स ओके, अकेला तो नहीं मैं ले रही हूँ ना 5000 में, मुझे 3000 की लिपस्टिक भी फ्री मिल रही है. मतलब ये थोड़ा सा एक बहाना हो गया है, थोड़ा सा अपने दिल को समझाने का. अदरवाइज ये मैंने परचेज किया है इन दी शेड गोल्डन 3, ठीक है. एनीवेज, सो गोल्डन 3 शेड में मैंने परचेज किया है. इसको मैंने आज यूज किया है, बेसिकली दोनों ही प्रोडक्ट्स को यूज किया है एंड थोड़ा सा एक ऐसा लुक मैंने क्रिएट किया है विच आई एम टोटली लविंग बाय द वे बिकॉज माई स्किन लुक्स सो ड्यूई, मतलब ड्यूई. आई एम इन लव विद दिस काइंड ऑफ मेकअप लुक. अगर मुझे आगे विंटर्स में स्पेशली अगर मुझे मेकअप करना है तो इस तरह का मेकअप करके इस तरह की ज्यूसी ग्लोई ड्यूई स्किन लेके मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ. आई एम लाइक रेडी टू रॉक. सो या सी. एंड ऑल्सो आज मैंने ये रोमेंड के लिप टिंट्स भी ट्राई किए हैं इसी वीडियो में, जो मैंने बहुत टाइम से मेरे विश लिस्ट में थे. सो ये भी मैंने ट्राई किए हैं एंड चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ आई हैव क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल ज्यूसी ग्लोई ड्यूई स्किन, सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. इफ यू आर वॉचिंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज लाइक करना मत भूलना एंड कमेंट ऑन करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करना. ये मत बोलना कि ये बहुत महंगे प्रोडक्ट्स आपने ट्राई करके दिखाए हैं. ऑलरेडी मैं बता रही हूँ, यस ये बहुत महंगे प्रोडक्ट्स हैं, बट आई रियली वांटेड टू ट्राई देम. तो दैट्स व्हाई सबसे पहले मैं ट्राई करूंगी इस वाले को, ग्लोविश वाले को, स्किन टिंट को, मल्टीड्यू स्किन टिंट को, बिकॉज इसका मैंने जितने भी रिव्यूज देखे हैं इसकी बहुत ज्यादा कवरेज नहीं है. इट्स लाइक अ स्ट्रोब क्रीम, बट इसमें थोड़ा सा टिंट है. ऑफकोर्स स्किन टिंट है, बट इट्स लाइक अ मल्टीड्यू स्किन टिंट जिसको आप अपने फाउंडेशन में मिक्स करके यूज कर सकते हो. एंड इसकी जो पैकेजिंग है वो भी काफी अच्छी है. यू कर चीज ओके. सो ये पंप के साथ आता है ट्यूब पैकेजिंग में एंड बहुत ज्यादा तो नहीं ले लिया. ओके, तो शेड तो परफेक्ट है. आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा ले लिया, मुझे इतना नहीं लेना चाहिए था. बट लुक एट द फिनिश, माई गॉड, इट लुक्स लाइक योर स्किन, यू नो, इट्स लाइक सेकेंड स्किन, यू कैन सी.
ओके स्किन लुक्स वेरी जूसी. ओके सो आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. यू नो आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड विद द रिजल्ट. ग्लोविश, आई मीन लुक एट दिस फिनिश. सी स्किन लुक्स सो फ्लॉलेस. ओके आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट. आई थिंक आई शुड नॉट यूज दिस. You know what I'm feeling right now? कि it's even better than Charlotte Tilbury का वो आता है ना filter, Hollywood Flawless filter, and better than this Hello Glow liquid filter. Charlotte Tilbury का Hollywood Flawless filter and of course इसके इससे भी better है ये Hello Glow liquid filter से भी. I would choose this, you know, Glowish वाला, because look at the finish, you can see. Fingers के साथ भी इतनी beautifully blend हो गया और brush के साथ भी. And my skin looks so juicy, so radiant, you can see. Definitely it's not like a full coverage product, but I just love this. You know, I'm really very impressed. मतलब first time में मुझे इतना अच्छा लग रहा है. मेरे को सच में मैंने सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर इसको चूज किया कि डिस्काउंट के ऊपर है तो ले लेती हूँ. अदरवाइज अगर मैं आई वॉज नॉट रियली वेरी एक्साइटेड और यू नो कि मुझे ट्राई करना ऐसा नहीं था. बट आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड. यू कैन सी दिस लुक सो फ्लॉलेस. सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया. बहुत ज्यादा पसंद आया. लिटरली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी दिस ब्यूटिफुल. यू नो आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड. आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी बिकॉज इट्स टोटली वर्थ द मनी. जो मैंने इसको डिस्काउंट पर लिया ना 40% डिस्काउंट के ऊपर, टोटली 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 लविंग. नाउ लेट्स ट्राई दिस बॉबी ब्राउन का विटामिन एनरिच कंटेंट SPF 15. अच्छा ऑनेस्टली इसको मैं ऑलरेडी यूज करके देख चुकी हूँ ऑफ कैमरा, बिकॉज जिस दिन मेरे पास आया था उस दिन हमें कहीं बाहर जाना था और मैंने सोचा ग्रेट यू नो चांस कि मैं इसको ट्राई करके देखूँ एंड अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों से शेयर करूँ. सो सबसे पहले मैं आपको आप लोगों को इसकी पैकेजिंग एंड एप्लीकेशन दिखा देती हूँ. एंड लुक एट द पैकेजिंग. यू कैन सी दिस इज सो प्रिटी. यू कैन सी आई जस्ट लव द पैकेजिंग. इट्स सिंपल ट्यूब पैकेजिंग एंड दिस इज विटामिन इनरिच स्किन टिंट विद SPF 15, प्रो विटामिन डी कैक्टस फ्लावर एंड 50 ml प्रोडक्ट की इसमें क्वांटिटी आपको मिल जाती है. आई नो 5,000 rupees इज वे टू मच फॉर अ स्किन टिंट. आई रियली नो बट यू नो आई नो. ओके तो महंगा है, बहुत महंगा है. इसमें 40 ml आपको मिल जाएगा ग्लोविश में एंड ये मुझे मिला है 1900 का एग्जैक्टली एंड ये 5,000 rupees का. इट्स हेल एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा है. एंड मैंने इसमें शेड लिया, इसमें ना आपको काफी सारे शेड्स मिल जाएंगे बॉबी ब्राउन में. मैंने अपना शेड लिया है इसमें Golden 3. Golden 3 शेड लिया है मैंने इसमें. सी इट्स नॉट दैट थिक, इट्स नॉट दैट रनी एंड या यू कैन सी. ओके इसमें फ्रेग्रेंस है जैसे विटामिन इनरिच्ड. अगर आपने मॉइस्चराइजर इसका यूज किया है, बेस ट्राई किया है अगर आपने बॉबी ब्राउन का, लिटरली सेम इसकी फ्रेग्रेंस है. बहुत ही फ्रेश, बहुत ही फ्रूटी फ्रेग्रेंस है इसमें. विटामिन सी, सिट्रसी सी फ्रेग्रेंस है इसमें. डेफिनेटली आप इसको फिंगर्स की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो. बट ब्रश के साथ ना बहुत क्विकली ये ब्लेंड हो जाता है. ओके अगर इसकी कवरेज की बात की जाए तो इसमें भी आपको बहुत कवरेज नहीं मिलती है. ऑफकोर्स इट्स अ टिंटेड मॉइस्चराइजर एंड बट इट हैज डिसेंट अमाउंट ऑफ कवरेज, लाइक अ बीबी एंड सीसी क्रीम जैसी कवरेज इसमें है. एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो यस, ये मेरे जो इवन लेयर मेरी स्किन के ऊपर एक डाल देता है ना, उसके साथ बहुत ही फ्लॉलेस फिनिश निकल के आती है, विच यू कैन सी क्लियरली. यू कैन सी अभी मेरे मार्क्स इतने ज्यादा विजिबल नहीं है जितने कि ग्लोविश लगाने के बाद थे, बिकॉज ग्लोविश में उतनी ज्यादा यू नो
दोनों नहीं थी कवरेज, इसमें है इतनी कवरेज, लाइक शेयर टू मीडियम काइंड ऑफ कवरेज है इसमें एंड लिटिल बिट क्वांटिटी, लाइक मैंने थोड़ी सी क्वांटिटीज की जितनी ली थी सभी अप्लाई कर लिया. यू कैन सी बहुत ही अच्छे से फ्लॉलेसली ये ब्लेंड हो चुका है एंड इट लुक्स सो रेडियंट एंड सो फ्रेश. माई स्किन फील्स सो फ्रेश, इट्स वेरी लाइट वेट एंड ऐसा फील ही नहीं होता आपको. ऑफकोर्स इट्स लाइक अ मॉइस्चराइजर, टिंटेड मॉइस्चराइजर है तो फील तो नहीं हो रहा है, बट इन वन वर्ड आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. इट्स सो एक्सपेंसिव, बहुत महंगा है ये, बट इफ यू रियली वॉन्टेड टू ट्राई तो आप ट्राई कर सकते हो, ये मैं कह सकती हूँ. बट डेफिनेटली अगर आपके बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन है, जैसे कि यहाँ पे मेरे माउथ के पास है पिगमेंटेशन, उसको तो ऑफकोर्स इतने ज्यादा अच्छे से ये कवर नहीं कर पाएगा. आपको थोड़ा सा कलर करेक्शन अगर आप चाहो करना तो कर सकते हो, बट हेंस वी आर यूजिंग टिंटेड मॉइस्चराइजर. तो डेली बेसिस के ऊपर टिंटेड मॉइस्चराइजर यूज करने के लिए हम करेक्टर तो यूज नहीं करने वाले हैं, बट अगर आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डार्क पिगमेंटेशन है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा कंसील करना पड़ेगा. बट इन माय केस आई डोंट कंसील एंड या दिस फील्स सो लाइट वेट एंड इट लुक्स सो गुड एंड इट फील्स सो गुड. यू कैन सी, आई नो मैं ना मतलब इतने पास में से आप लोगों को इसीलिए दिखा रही हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इसकी फिनिश कैसी है ओवरऑल. या यू कैन सी दिस इज द काइंड ऑफ फिनिश आई रियली वॉन्टेड एवरी टाइम जब भी मुझे बाहर जाना है एंड माई स्किन फील सो फ्रेश. ओके सो 15 मिनट हो चुके हैं इसको अप्लाई किए हुए, बिकॉज मुझे थोड़ा सा काम था मैं वो कर रही थी एंड यू कैन सी इट लुक्स लाइक समवट लाइक दिस एंड आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट. यू नो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है. आई नो बहुत महंगा है, थोड़ा सा अफोर्डेबल तो क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे बॉबी ब्राउन से, थोड़ा सा मे बी 2000 तक होता या 3000 तक होता, बट इट हैज 50 ml. ओके स्मैश बॉक्स का टिंटर मॉइस्चराइजर भी है मेरे पास. इसमें कितनी क्वांटिटी आपको मिलती है? 40 ml. ओके यूजली 40 ml मिलती है सब में, जैसे ग्लोविश में भी 40 ml है, स्मैश बॉक्स में भी 40 ml है, बट इट हैज 50 ml एंड इसका जो प्राइस है 3400 रुपीज है. ये भी बहुत एक्सपेंसिव है और ये 5000 का है, ये भी बहुत एक्सपेंसिव है. सो चलो अब मेकअप पूरा कंप्लीट करते हैं. सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी ये इनसाइड प्रो का प्रोफेशनल एयर ब्लश. दिस इज इन द शेड रोजवुड फ्लश. आई रियली रियली लव दिस शेड. दिस इज एक्सट्रीमली पिगमेंटेड एंड इट्स सो अफोर्डेबल. ओके नाउ आई एम गोना सेट माई अंडर आईज एंड आई एम गोना यूज के ब्यूटी का लूज पाउडर एंड एक ड्राई स्पॉन्ज लेके. बनाना शेड में है ये लूज पाउडर. मुझे कॉमेंट आया था कि कौन सा शेड आप यूज करते हो. यू नो मैं हल्का सा बेक कर लूंगी अपनी अंडर आईज को, ओनली माई अंडर आईज नथिंग एल्स. ओके सबसे पहले आईब्रोज को फिल करेंगे. ओके नाउ गोना यूज दिस बॉबी ब्राउन की लॉन्ग वेयर क्रीम शेडो स्टिक एंड आउटर कॉर्नर पे मैं यूज करूंगी पिक्सी की ग्लो आई शेडो स्टिक इन दिस शेड ब्रॉन्ज ब्लेज. ओके नाउ आई एम गोना यूज दिस मस्कारा बैड गर्ल बैंग मस्कारा फ्रॉम बेनिफिट दिस मस्कारा इज एवरीथिंग. मतलब ऑटोमेटिकली मेरी जो अंडर आईज है ना वो एकदम ब्राइटन अप हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बनाना लूज पाउडर की वजह से. आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लिक्विड कंसीलर्स वगैरह, यू नो लाइट कंसीलर्स यूज करने की अगर आप बनाना लूज पाउडर यूज कर लेते हो. अंटिल अनलेस आपके बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन नहीं है तो डेफिनेटली, अगर आपके डार्क सर्कल्स नहीं है तो आप सिर्फ लूज पाउडर के साथ भी यू नो बनाना लूज पाउडर के साथ भी डेफिनेटली एक यू नो ब्राइटनेस एड कर सकते हो एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. ओके फॉर लिप्स आई हैव 3 न्यू प्रोडक्ट्स.
एक्चुअली फोर. सो आई हैव दिस नायका की जैगर बॉम्ब मैट लक्स लिपस्टिक. यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. टुडे आई एम नॉट गोना यूज दिस बिकॉज आई एम नॉट रेडी टू यूज दिस. एंड ऑल्सो आई हैव दीज टू लिप प्रोडक्ट्स फ्रॉम रोम एंड. ये मैंने टीरा ब्यूटी से परचेज किए हैं. टीरा से परचेज किए हैं. जूसी लास्टिंग टिंट फ्रॉम रोमेंट एंड ऑल्सो ग्लास्टिंग वॉटर टेंट. यू कैन से दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो आई हैव दीज टू टेंट्स फ्रॉम रोमेंट एंड या आई थिंक आई एम गोना यूज दिस जूसी लास्टिंग टिंट. This is in the variant date opened. Yeah. Okay, इसका जो formula है ना बहुत velvet soft सा formula है. You can see. थोड़ा सा इसमें मैं ये भी mix कर लेती हूँ. This is glassing water tint in the shade 03 brick river. Okay, so guys, I have completed this look. By the way, my skin is not fully covered. मेरी skin के ऊपर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने you know 2-3 layers base makeup की लगाई है. My acne marks are still showing. मतलब थोड़े थोड़े यहाँ से हल्के फुल्के से दिख रहे हैं. ऐसा नहीं है कि fully covered हो गए हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल covered up सा made up सा look आया है. आई थिंक बिल्कुल जैसे सेलिब्रिटीज की स्किन लगती है ना, बिल्कुल वैसी स्किन मेरी अभी लग रही है. जैसे उनका मेकअप लगता है ना, वैसा ही मेरा मेकअप इस टाइम पे लग रहा है. एंड आई नो बहुत महंगे प्रोडक्ट्स मैंने यूज किए हैं, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी विद दिस लुक. सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बहुत एंटरटेनिंग एंड बहुत ही हेल्पफुल रही होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना. अभी मैं नेक्स्ट अपना हॉल वीडियो शूट करने वाली हूँ, जो कि एक ह्यूज हॉल वीडियो होने वाला है, जिसमें मैंने टीरा से प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, नायका से ऑफकोर्स परचेज किए हैं, मैंने मिनीसो से परचेजिंग की है ऑफलाइन, एंड ऑल्सो मैंने अमेजोन से कुछ चीजें परचेज की हैं. कुछ नहीं, एक दो चीजें परचेज. वैसे तो अमेजोन से मैंने बहुत सारा ढेर चीजें परचेज की हुई है, जिनका मैं अनदर हॉल बनाऊंगी, लेकिन आज मैं एक कंबाइन हॉल लेके आई हूँ. सो लेके आने वाली हूँ, तो वो भी आप चेक करना मत भूलना. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको भी आप लाइक करके ही जाना. तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय एंड टेक केयर. बाय बाय.